आरोपी पकड़ा गया है। क्या है पूरा मामला? थाना विश्वविद्यालय क्षेत्र अंतर्गत एक मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि पीएम आवास कॉलोनी में कुछ लड़के हैं जिनकी जो गतिविधियां थोड़ा संदिग्ध लग रही हैं। जिस सूचना से तत्काल ही एसपी सर से जो मार्गदर्शन व निर्देश प्राप्त किए गए और टीम हमारी वहां पर पहुंची, जहां पर घेराबंदी करके लड़कों को प्रयास करके पकड़ाए हमने, जहां पे कुछ लड़के भाग गए और दो लड़के हमें मिले हैं जिनसे पूछताछ की गई। और जब उनकी तलाशी ली गई तो उनसे हमें कुछ दोनों के पास से अलग अलग पिस्टल मिले हैं और कुछ कारतूस भी बरामद हुए हैं। क्या है सब इनका बैकग्राउंड था आरोपी? वो हम पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं। जिन एक लड़का है वो नाबालिग है, विरुद्ध बालक है, और दूसरा बालिग है, जिसके हम जो उनका क्रिमिनल बैकग्राउंड है वो हम उसका निकालने का और उस पर अग्रिम कार्रवाई के लिए प्रयास कर रहे हैं। लगातार देखा जा रहा है पुलिस कार्रवाई कर रही है, सिविल लाइन ने भी। हाँ, सिविल लाइन ने भी कार्रवाई की है, जिसमें आज 3 से 4 लड़कों को पकड़ा गया है अवैध हथियार के साथ। और एसपी सर के निर्देशन में लगातार ये प्रोसेस जारी है। जहाँ भी हमको सूचना मिलती है संदिग्ध गतिविधियों की या अवैध हथियार के साथ, तो हम लगातार कार्रवाई कर रहे हैं उसमें। आम लोगों को क्या सूचना है कि जैसे अपराधियों की लोकेशन तत्काल पुलिस को? हाँ, तत्काल अगर कहीं भी दिखता है, जैसे कल ही हुआ है, हमको एक मुखबिर ने बताया था कि कुछ लड़के इकट्ठे हैं जो जिनकी गतिविधियाँ संदिग्ध हैं। ऐसी अगर आम पब्लिक को, गणमान्य नागरिकों को ऐसा लगता है कि लड़के इकट्ठे हैं और कुछ संदिग्ध लग रहा है, तो तत्काल सूचना दें, हम तत्काल कार्रवाई करेंगे।